को तैयार है गुजरात जायंट्स का डिफेंस रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल से, लेकिन तीन मैचेस में महज 23 रेड पॉइंट, ये वो प्रदीप नहीं है जिन्हें देखने की हमें आदत पड़ चुकी है, और हमें आदत पड़ चुकी है कमेंट्री बॉक्स में श्रीनिवास रेड्डी के एक्सपर्ट्स कमेंट सुनने की। वेलकम ब्रदर। थैंक यू सुनील। जिस हिसाब से प्रदीप का जो टूर्नामेंट में स्टार्ट था, अभी देखना पड़ेगा ये आपको कैसे लगते हैं? अगर जसवीर सिंह शांत है तो ये शांत कतई नहीं बैठते मनप्रीत सिंह। मनप्रीत तो ग्राउंड के अंदर बहुत ही अग्रेसिव है, बट ग्राउंड के बाहर बंदा बहुत ही दिल प्यारा बंदा है। और ये प्यारा एस्केप है। यूपी योद्धा के पास बचे हैं तीन खिलाड़ी, अब बचे हैं दो खिलाड़ी। प्रदीप क्योंकि इस गेम का जो स्पीड है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सुपर टैकल सिचुएशन, सुपर टैकल बनाए यूपी ने, बहुत ही जबरदस्त डबल टाई होल्ड, सुपर टैकल, टू पॉइंट्स यूपी ऑन द। गिरी शरणाक जिस दिन चलते हैं सबसे खतरनाक लगते हैं, और एडवांस टैकल किए, सारे के सारे एडवांस टैकल कामयाब हुए, और ये खिलाड़ी भी कामयाब हुआ। एक और बड़ी पॉइंट रेड राकेश नरवाल की। की टीम दूसरे हाफ में कम बैक करेगी या गुजरात का डिफेंस ऐसे ही प्रदीप को रोकेगा? क्या प्रदीप नरवाल इस हाफ में फॉर्म में आएंगे? श्रेणी फॉर्म में आने के लिए करना क्या होगा? गलती क्या हो रही है प्रदीप से? कुछ नहीं करना है उसको, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम ग्राउंड के अंदर अगर रहेंगे तो फॉर्म जरूर वापस आएगा। जितना जल्दी वो बाहर बैठेगा तो फिर फॉर्म में आना बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, समय के साथ साथ फॉर्म ऑटोमेटिकली आएगा। और प्रदीप नरवाल कामयाब हुए हैं, अपनी पिछली रेड में रविंदर पहल को आउट किया था। यूपी के फैंस बाटी चोखा भी खाइए, दाल भात भी खाइए, और प्रदीप पे विश्वास भी रखिए। गिरीश पहली बार आउट, टू पॉइंट्स यूपी अदा। और इस खिलाड़ी को पॉइंट मिले हैं, राकेश नरवाल इस सीजन का नया स्टार है। कुल मिलाकर तीन सुपर टेन है इनके वीवो प्रो कबड्डी करियर में, और तीन में से दो तो इसी सीजन में आए हैं। कुल मिलाकर 37 रेड पॉइंट, इस बार आउट होंगे राकेश। प्रदीप सुपर टेन से दो पॉइंट दूर, डुबकी लगी, सुपर टेन पूरा प्रदीप प्रदीप का सबसे कामयाब स्किल डुबकी, और उसी के साथ उन्होंने अपने करियर का 24वां सुपर टेन, 61वां सुपर टेन पूरा किया है। ना यूपी हारे ना गुजरात जीते, प्रदीप चले, गुजरात का डिफेंस चला, जबरदस्त वापसी यूपी की, एक और टाई हमने देख लिया। दूसरा मुकाबला जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसे बराबरी पर खत्म हुआ, 35-35 पर यूपी और गुजरात का मैच समाप्त हुआ।